हाय गाइस, दिस इज अविनाश, MBBS फ्रॉम SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन में टॉक्सिकोलॉजी। आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स और टाइप ऑफ पॉइजनिंग, कितने टाइप की पॉइजनिंग होती है, ये सब अपन आज देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है? अपन टॉक्सिकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में अपन पॉइजन्स की स्टडी करते हैं, पॉइजन्स की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है, पॉइजन क्या होता है? तो पॉइजन है कोई भी सब्सटेंस जो इस अर्थ पे है, उसको अगर किसी भी रूट के थ्रू किसी भी पर्सन को दिया जाए और वो उसमें कोई भी इल इफेक्ट या उसकी डेथ, और वो कैसे करे, कोई भी लोकल एक्शन हो सकता है उसका या रिमोट एक्शन हो सकता है, तो पॉइजन क्या हो जाएगा? एनी सब्सटेंस इन एनी फॉर्म, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस, कोई भी सब्सटेंस कोई भी फॉर्म में गिवन थ्रू एनी रूट, कोई भी रूट के द्वारा दिया जाए। अब टॉपिकल मतलब लोकल एप्लीकेशन हो जाए उसका, इंजेक्टेड कोई भी इंजेक्शन के थ्रू अपन उसको दें, इनहेल्ड रेस्पायरेटरी रूट के थ्रू लिया जाए उसको, इंजेस्टेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू लिया जाए उसको, और वो उसमें क्या इफेक्ट करे, कोई भी इल इफेक्ट क्रिएट करे या उसकी डेथ करवा दे, और वो डेथ और इल इफेक्ट उसके या तो लोकल एक्शन की वजह से हो सकता है या उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो और वो बाकी दूसरी जगह पे जाके अपनी एक्शन करे, उसकी वजह से कोई भी इल इफेक्ट या डेथ हो, तो ये होगा पॉइजन। ठीक है, अब एक पॉइजन होता है, एक टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस होता है जो एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इवन वायरस भी हो सकता है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और वायरसेज हो सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, कितने टाइप के पॉइजन्स होते हैं, क्या क्या आपने पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो अपन देखेंगे। तो एक न्यूमोनिक है, सिन कैम से अपन याद रखेंगे, सी से हो जाएगा क्रोसिव पॉइजनिंग, आई से हो जाएगा इरिटेंट पॉइजन, एन से हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिन्स, सी से हो जाएगा कार्डियोटॉक्सिक, ए से हो जाएगा एक्सपिक्सियंट, एम से हो जाएगा मिसलेनियस। ठीक है, ये सब पॉइजन है, अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। न्यूमोनिक है अपना सिन के, सबसे पहले देखते हैं क्रोसिव को। क्रोसिव क्या होते हैं? ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, इनका लगभग बर्निंग जैसा सा एक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें एसिड्स शामिल होते हैं, इसमें एल्कली शामिल होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या एक्शन होगा, किस टाइप से टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेंगे? तो एसिड्स जो होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस करवाते हैं, ये नेक्रोसिस आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, पांच टाइप का नेक्रोसिस होता है, उसमें एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। एल्कली हैं वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करवाती हैं, लिक्विफेक्टिव, ये दो इम्पोर्टेंट टाइप के नेक्रोसिस हैं जो काफ़ी जगह देखने को मिलते हैं अपने को। तो एसिड करवाएंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस और एल्कली करवाएंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके, अब जितने भी टाइप के पॉइजन है ना, उनमें से क्रोसिव्स वो पॉइजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो देखिए, क्रोसिव्स आर द ग्रुप्स ऑफ पॉइजन्स विच कोज मैक्सिमम टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स, इरिटेंट, इरिटेंट से मतलब लीजिए एलर्जी टाइप। एलर्जी में क्या मिलता है अपने को? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो यह क्या क्रिएट करेंगे? इंड्यूस डैमेज बाई कोजिंग इन्फ्लामेशन। अब ये चार टाइप के हैं इरिटेंट्स। सबसे पहला है मेटेलिक। मेटेलिक में मेटल्स आएंगी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, आयरन, कॉपर। सेकंड है नॉन मेटेलिक, जिसमें फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट इरिटेंट्स, इसमें आएगा रिसिनस, क्यूमनीस, एब्रस, प्रिकटोरियस, सेमिकार्पस, एनाकार्डियम, जिसको अपन बिल्वा के नाम से भी जानते हैं, क्रोटोन टिगिलम, कैलोट्रोपिस, अर्गिट और लास्ट कैप्सिकम चिली। चौथा
चौथी सब कैटेगरी है एनिमल्स रिटेंट, उसमें स्नेक बाइट आ जाएगी, स्कॉर्पियन बाइट आ जाएगी और हनी बी बाइट आ जाएगी। ठीक है, ये तीन टाइप के एनिमल इरिटेंट हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटॉक्सिक। अब जो भी न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है वो कहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर सकते हैं या वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर सकते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, या तो वो ब्रेन पे एक्ट कर सकते हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ एक्ट कर सकते हैं, ब्रेन पे या स्पाइनल कॉर्ड पे। अब देखिए ब्रेन पे कौन कौन से एक्ट करते हैं, पहला है देतुरा, कोकेन और केना बिस, इसके अलावा ओपियोइड्स और एल्कोहल। अब इनमें से जो देतुरा, कोकेन और कैनाबिस हैं ये ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, इनको बोलते हैं डेलिरियंट पॉइजन्स, डेलिरियंट पॉइजन्स। ओपियोइड्स है वो ब्रेन को डिप्रेस करेंगे। ठीक, इनको बोलते हैं सोमनीफेरस पॉइजन्स, सोमनीफेरस पॉइजन्स। और एल्कोहल है वो इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करेगा, इंटॉक्सिकेशन करेगा, इनको बोलते हैं इनेब्रिएंट्स, इनेब्रिएंट्स। ब्रेन के अलावा कहाँ एक्ट कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड पे कौन कौन एक्ट करे, स्ट्रिचनस, स्ट्रिचनस, नक्स वोमिका बोलते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे वो हैं कोनियम मैकुलेटम, जिसको हेमलॉक भी बोलते हैं अपन, और क्यूरारे, क्यूरारे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियोटॉक्सिक मतलब ये हार्ट में कोई ना कोई चेंज करेंगे जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, और वो चेंज क्या होगा, ये डेथ किसकी वजह से करवाएंगे, हार्ट में क्रिएट करेंगे ये कार्डियक अरिदमिया, मतलब हार्ट की जो भी कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम है उसको ये डैमेज करेंगे, उसकी वजह से अरिदमिया क्रिएट होगा और उसकी वजह से डेथ होगी। तो अपन याद करने का इसका तरीका देख लो, कार्डोना, कार्डोना, कार का मतलब है जो कार्डियो टॉक्सिक है, डोना का मतलब है डी मतलब डीजी टेलिस, ओ ओलियंडर एन निकोटीन ए एकोनाइट, डिजिटेलिस ओलियंडर निकोटीन और एकोनाइट। नेक्स्ट ग्रुप है एसफिक्सियंट, एसफिक्सियंट। इनमें कौन कौन से आएंगे, ये क्या करेंगे, ये बॉडी में एसफिक्सिया क्रिएट करेंगे, एसफिक्सिया मतलब एनोक्सिया, एनोक्सिया मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। तो इनमें कौन कौन से आएंगे, ये बॉडी में एनोक्सिया क्रिएट करेंगे, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। इनमें कौन कौन आएगा, टॉक्सिक गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये चार गैसेज हैं। इनमें से इसकी पॉइजनिंग, इसकी पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड की पॉइजनिंग अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बाकी जो बच गए वो मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से आएंगे, एग्रीकल्चर जो भी पॉइजन है जिनको अपन एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं, लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोर्स पॉइजनिंग, कार्बामेट्स पॉइजनिंग, ऑर्गेनोक्लोरिन्स पॉइजनिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग इसमें आएगी। ठीक है, फूड की वजह से जो भी पॉइजनिंग होती है, ठीक है, ये मिसलेनियस में आएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, कितने टाइप्स की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो पहली है फल्मिनेंट, फल्मिनेंट मतलब कोई भी बहुत मैसिव डोज अपन अगर इंजेस्ट कर लें या फिर इंजेक्ट कर दें या फिर इनहेल कर लें, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएंगे ना, सडन इफेक्ट आएगा इसका, मैसिव डोज की वजह से सडन इफेक्ट आएगा और उसको अपन फल्मिनेंट पॉइजनिंग बोलते हैं। अगर अपन कुछ ही टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज डोज ऑफ पॉइजन को इंजेक्ट कर लें या मतलब अपनी बॉडी में किसी भी रूट के थ्रू हो जाए, तो उसका इफेक्ट आएगा, वो आएगा एक्यूट इफेक्ट। अगर अपन किसी भी पॉइजन की स्मॉल डोज को एक लंबे अंतराल तक दिए जाएं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक दिए जाएं, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएंगे वो आएंगे क्रोनिक कैटेगरी में। स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कॉजेज सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग। तो मैसिव डोज देंगे तो फल्मिनेंट पॉइजनिंग हो जाएगी, लार्ज डोज शॉर्ट ड्यूरेशन में देंगे तो एक्यूट पॉइजनिंग हो जाएगी, और स्मॉल डोज अपन एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं तो वो क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। अब मान लीजिए आप कैजुअल्टी में एक मेडिकल ऑफिसर या
स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप कैसे सस्पेक्ट करेंगे, किस हिसाब से देखेंगे कि ये एक केस हो सकता है पॉइजनिंग का? तो पहला तो आप क्लिनिकल हिस्ट्री देखेंगे उसकी, ठीक है? अगर पेशेंट कोई भी नॉन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा है, लाइक इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, सीजर्स उसमें मिल रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिल रहा है, कार्डियक अरिदमिया मिल रहा है, हाइपोथर्मिया मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि यहाँ पे पॉइजन इंजेशन किया होगा या पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है? पॉइजनिंग को सस्पेक्ट कैसे करेंगे? सिम्टम अपियर सडनली इन ए हेल्दी पर्सन, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है उसमें अचानक से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो वो पॉइजनिंग हो सकते हैं, ठीक है? और कोई भी फूड इंटेक के बाद अचानक से कोई सिम्टम आ रहे हैं तो वो भी उस फूड की पॉइजनिंग की वजह से हो सकते हैं, या उसमें फूड में कुछ मिलाया हो, कोई भी पॉइजन मिलाया हो तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, ओके? तो ये था आज का अपना बेसिक नॉलेज टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। इस चैप्टर से, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके नोट्स हैं वो अनुराग सैनी MBBS चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपने इतने पेशेंस के साथ मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।